Hello friends, my name is Manish Vajirani and in this video I am going to explain a financial statement of accounts. 11th commerce financial statement जिसे हम final account भी बोलते हैं. तो इस chapter के अंदर आपको तीन account generally बनाने होते हैं, trading account, profit and loss account and balance sheet. So start करते हैं chapter. एकदम easy chapter है, बहुत ही important chapter है exam के purpose के लिए, क्योंकि exam में ये आपको 12 marks का आएगा और जो बहुत बड़े अमाउंट होता है, बहुत बड़ा मार्क्स होता है. 12 मार्क्स में से आपको 12 कंपलसरी लाने ही है. एकदम इजी चैप्टर है आपको और ये आगे जाके भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होगा इसका. सो मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ इस चैप्टर के, जो मैं हर चैप्टर के बताता हूँ अपने रूल्स. एकदम ईजी रूल्स है, हो सके उतना ध्यान देना यहाँ पे. ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, नाम देखिए उसका, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग मीन्स जो मैं व्यापार करता हूँ उसका अकाउंट. मतलब कि अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं करता, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं सब समझाऊंगा. सिर्फ आप अभी समझ लो, मेरे रूल समझ लो. अगर मैं सीधा ट्रेडिंग ही करता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता. अगर सिर्फ ट्रेडिंग, मतलब कि मैं एक जगह से गुड्स परचेस करता हूँ और दूसरी जगह पे गुड्स सेल्स करता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट होता, वो जानने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. देखिए हर जगह पे आपको बता देते होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, पीएनएल बनाए. आपको पता भी होगा कि ये यहाँ पे आता है, वो वहां पे आता है, सब कुछ आपको पता होगा. लेकिन ये क्यों बनाते हैं उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कैसे करते हैं वो तो बताऊंगा ही, लेकिन परचेस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ. कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही करता विदाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ परचेस करके सेल्स करता तो मैं कितना कमाता, वो जानने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलेंगे जीपी, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट. तो अभी उसके अंदर कौन सी आइटम आएगी वो ध्यान रखते हैं. यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक व्हाट, एग्जांपल परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, गुड्स को जो बिजनेस के अंदर लाने का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे. जो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहा हूँ गुड्स के ऊपर वो सब कुछ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे. कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया क्योंकि वो गुड्स की वैल्यू बढ़ा रहा है तो इतना ही महंगा मेरे अंदर गुड्स आएगा, मेरे बिजनेस के अंदर तो इतना ही महंगा मैं बेचूंगा, ऑब्वियस चीज है. तो गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट पे डालूंगा, जिसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट इनकम्स, माय फॉल्ट, डायरेक्ट इनकम्स. यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम. अब डायरेक्ट इनकम मतलब क्या, अरे सेल्स, या वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई, ट्रेडिंग की डायरेक्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है. सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, या कोई भी और चीज हो गई जो आपको डायरेक्ट मिल रही है गुड्स के ऊपर, वहां पे उसको आप बोलेंगे ट्रेडिंग, उसको आप रखना है वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे. अगर हम इन दोनों पर टोटल करेंगे, टोटल किया यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड का टोटल आया 10,000 और यहाँ का टोटल आया 5,000, तो जो 5,000 गैप बचा वो डेबिट साइड पे गैप आया तो उसे हम बोलेंगे जीपी, मतलब के ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. अगर ग्रॉस लॉस आया होता तो यहाँ पे गैप आया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखता है, उसे बोलेंगे ग्रॉस लॉस, जीएल, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं. अभी ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया ऐसे मैं मान लेता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा बोलता है कि डेबिट साइड जो है मेरी वो वहां पे आपको लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, पहले भी मैंने बताया. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि मुझे ट्रेडिंग से उतना लेना देना कुछ नहीं है. मैं बोल रहा हूँ उतना लेना देना, एकदम बिल्कुल लेना देने की बात नहीं कर रहा हूँ. उसको फर्क तो पड़ेगा ही सेल्स और परचेस से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को. लेकिन वो अगर हम नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स या परचेस बंद हो जाएगा. मैं थोड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी है, आपको आई है. कैसे करते हैं वो तो बच्चे को भी आता है, लेकिन क्यों करते हैं वो जानने में मजा ही कुछ और है. तो मैं आपको क्यों का भी रीजन बता रहा हूँ और कैसे का भी रीजन बता रहा हूँ, ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे मैंने आपको बता दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी. सैलरी में आदमी को, मैंने आदमी रखे हैं, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ. इलेक्ट्रिसिटी, बराबर. फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वैसे बहुत सारे एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में लिखूंगा इनडायरेक्ट इनकम्स, मेरी इनडायरेक्ट इनकम्स जो मेरी जनरली इनकम्स परचेस और सेल्स की वजह से नहीं होती, जो मेरी जनरली इनकम ट्रेडिंग पे नहीं होती, जैसे कि कमीशन, अगर मैं ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ काम किया है जिसके ऊपर मुझे कमीशन मिल रहा है, बराबर। मेरा बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस आइसक्रीम का है, फिर भी मैंने एक शॉप ली है, उसका रेंट मुझे आ रहा है, तो वो मेरी हो गई इनडायरेक्ट इनकम। मेरा रेंट का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है, मेन बिजनेस मेरा आइसक्रीम का है, एग्जांपल का, ठीक है। वैसे ही कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, बहुत सारी इनकम भी मान सकते हैं। तो आपके अंदर एक और रूल बन गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे रेवेन्यू इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब छोटे 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 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे छोटे छोटे इनडायरेक्ट इनकम्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ये एक एक चीज में बार बार रिपीट नहीं कर सकता, आपको ऑप्शन है वीडियो बार बार देखने का, तो आप एक दूसरी बार वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो की मूविंग ऑन टू थर्ड अकाउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट। उससे पहले हम ये अकाउंट बंद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये अकाउंट मैंने बंद किया, से फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया 25,000 और डेबिट साइड का टोटल आया 10,000, तो यहाँ पे 15,000 मेरा बचा, तो 15,000 मेरा हो गया एनपी, मतलब के नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में ऐड, बराबर। वो नेट प्रॉफिट जाएगा लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल होगा आपका कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। और वो उसका टोटल करेंगे और असेट्स का टोटल करेंगे, तब वो जाके सेम आना चाहिए, तब जाके आपका सम सही है, ऐसे मान सकते हैं, तब जाके आपको 12 में से 12 मिलेंगे। और आप ऐसा मत समझना कि अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो आपके मार्क्स 12 में से 0 आएंगे, एंट्री के मार्क्स मिलते हैं, एग्जाम पर्पज के लिए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको फॉर्मेट तो पता चल गया है, इन दोनों की बैलेंस शीट का समझाने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट, शीट मतलब क्या, एक पेपर, और बैलेंस मतलब क्या, बैलेंस हो का पेपर। सिंपल चीज है कि ये अकाउंट को हम फ्यूचर में ले जाने वाले हैं, ये दोनों को तो यहाँ पे बंद कर दिया, इस अकाउंट्स को हम फ्यूचर में लेके जाने वाले हैं, मतलब कि उसके जो भी बैलेंसेस हैं वो हम फ्यूचर में लेके जाने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बैलेंसेस आएंगे। जैसे कि नेट प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक आएगा, बराबर। और लायबिलिटीज में और क्या क्या आता है, जहां पे आपने कहीं लोन ली हो, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ आपको वापस देना हो, क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या, जिससे पैसे देने हो, मेरी लायबिलिटी है, तो वो भी यहाँ पे क्रेडिटर्स में आएगी, तो लायबिलिटीज के अंदर आएगी एज अ क्रेडिटर। असेट साइड पे क्या आएगा, जो भी मेरी मिल्कत है, मेरी बेंचेस है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, बिल्डिंग है, वो सब मेरी असेट्स है, वो सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल जब मैच होगा तब आपको 12 मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। अभी कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे बैलेंसेस दिए जाएंगे और नीचे आपको एडजस्टमेंट दिए जाएंगे कि भाई आप एडजस्टमेंट सॉल्व करो। तो सब की शुरुआत कैसे करनी है, ये तो सब मैंने टेक्निकल चीजें बता दी, सबकी शुरुआत कैसे करनी है, आपको एडजस्टमेंट से करनी है। पहला एडजस्टमेंट जनरली आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फर्म इज सो एंड सो एंड सो एंड सो, उसकी मार्केट वैल्यू 10% कम है, उसकी 15% कम है, व्हाटएवर जो भी आपको दिया जाएगा। तो आपको कौन सी अमाउंट लेनी है वो मैं बता देता हूँ, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। अकाउंट ऐसे बोलता है कि अगर मार्केट वैल्यू उसकी कम है तो पहले कम लिखाओ, अगर कॉस्ट वैल्यू कम है तो कम लिखाओ, हम दोनों में से जो भी होगा वो कम कर देंगे, ठीक है। और उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे और एक तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, मतलब के असेट साइड पर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में असेट साइड पर, क्योंकि वो हमारी असेट हो गई। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जानना जरूरी है क्योंकि हमें जीपी चाहिए जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है। दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वैसे तो मैं हर एग्जांपल बोल नहीं सकता, लेकिन जो जो बहुत आते हैं हर इलस्ट्रेशन में वो आपको समझाने की ट्राई करूँ। आपको दिया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बराबर, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ऐसा हो गया कि मुझे सैलरी देनी चाहिए थी लेकिन मैंने दी नहीं है कुछ रीजन की वजह से, तो कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, पीएनएल अकाउंट के अंदर सैलरी के अंदर ऐड करना है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपकी, आउटस्टैंडिंग मुझे पे करना है सैलरी, तो जाएगा लायबिलिटी साइड पे, वो उतनी ही अमाउंट जाएगी जितना पे करना बाकी होगा वो। अभी आप पूछोगे कि सर ये आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों किया, लेस क्यों किया, तो एक दूसरा रूल है, आप रूल ध्यान से समझना, ये दोनों अकाउंट भाई भाई है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों भाई भाई एकदम नजदीक के रिश्तेदार। ट्रेडिंग अकाउंट तो ऐसे बोलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम मुझे दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम्स,
पीएल को दो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, लेकिन इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है, ये दोनों अकाउंट ऐसे बोलते हैं कि इस साल का जो भी हो वो मुझे आप दे दो, समझ गए, इस साल का जो भी हो, अभी इस साल का जो भी हो मतलब सैलरी थी तो इस साल की ना, पहले भले मैंने पे नहीं की थी कैश में, भले पे नहीं की थी, आउटस्टैंडिंग थी, फिर भी है तो इस साल की ना, तो यहाँ पे ऐड करके लिख दो सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा और एडजस्टमेंट में बोलेंगे 1000 पे नहीं किए तो आप से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट में 2000 है, ट्रायल बैलेंस में 2000 है और एडजस्टमेंट में 1000 है, तो यहाँ पे 2000 प्लस 1000 आउटर कॉलम में 3000 जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी पीएनएल डेबिट साइड पे, और दूसरा 1000 पे करने के बाकी है तो आपको जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी एज 1000 ओनली, ठीक है। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि मैंने कोई एक्सपेंस पहले से पे कर दिया है तो वो है इस साल का नहीं, पहले का है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर का है ना, प्रीपेड पहले से, पहले का मतलब कि आने वाले साल का मैंने अभी का अभी से पे कर दिया है, जो है इस साल का नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया है तो वो वहां से मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएनएल क्या बोलते हैं, इस साल का जो भी हो वो मुझे दो, तो वो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। और दूसरा कहाँ लिखा मैंने, असेट साइड पे लिखा, क्यों असेट साइड पे लिखा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस मुझे अभी नेक्स्ट ईयर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी से पे कर दिया है, दैट इज योर असेट, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। वैसे ही प्रीपेड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम सॉरी, मतलब कि कोई इनकम आपको मिलने वाली थी वो आपको पहले से मिल गई, बराबर, तो वो थी इस साल की नहीं, तो यहाँ से प्री इनडायरेक्ट इनकम में से लेस करने का, क्यों लेस करने का, क्योंकि है तो इस साल की है ही नहीं, और पीएनएल ट्रेडिंग तो ऐसे बोलता है कि भाई इस साल की हो तो ही दो ना, पे कर रही हो कि नहीं कर रही हो, लेकिन मुझे तो इस साल की हो वो ही चाहिए, तो मैंने यहाँ से माइनस किया। और दूसरा कहाँ पे लिखा, लायबिलिटी साइड पे लिखा, क्यों लायबिलिटी साइड पे लिखा, क्योंकि वो इस साल की है नहीं और दूसरी साल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे उसको काम देना है अगेंस्ट दैट अमाउंट, अगेंस्ट दैट मनी। सो फाइनली ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ जो मैंने रूल बताया वो ध्यान रखो, रूल फटाफट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल क्या बोलते हैं, इस साल का जो भी है वो मुझे दे दो, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम्स, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ओनली बैलेंसेस जो फ्यूचर में हम लेने चले के जाने वाले हैं वो, ठीक है। आप जो भी मैंने रूल दिए उसे अप्लाई करो, सम करो, सम में कोई प्रॉब्लम आए, कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आए, मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, मैं रिप्लाई दूंगा जरूर से। और पिछले बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, और हो सके उतने आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, मेरा फोकस अभी ओनली एग्जाम पे है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए भी, और नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स के वीडियोस में और बनाने वाला हूँ पार्ट टू के, जो कुछ ही देर में आएंगे आपके पास, उसकी लिंक चाहिए आपको तो मुझे आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बाय।